जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भोलेनाथ कृपा में। आज इस वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा विस्तार में सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। चलिए गौरी पुत्र गणेश का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। इंद्र ने एक बार कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, तथा हे ब्राह्मण, उस व्रत से प्राणियों का भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में नित्य कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक बहुत ही सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न आठवां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र के संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, आदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले, हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी जो वाक पटु हैं और आपकी बहन हैं, उसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला आठवां पुत्र आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बताएं कि देवकी का आठवां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी ने कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आशक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में आठवां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे अष्टम पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा।
तदनंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से नम्रवाणी में कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहां आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने में जलाशय पर आई हूं। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चल गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णतः रक्षा करना। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में थे। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण बंदी ग्रह के दरवाजे स्वयं खुल गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातः काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपाल ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा। अतः वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणीत हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा।
उसने नंद जी के ग्रह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। किंतु जब राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात में कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने ग्रह की ओर चले गए। घर आकर उनको संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार परिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वे कतंब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना जी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी। दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी गंगा जल एकादशी गाय श्राद्ध और रोहिणी व्रत से ये सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ सहस्त्रों राजसूय यज्ञ दान तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताएं। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने द्विज क्रिया की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है। यदि यह बात ठीक है तो कंकड़ मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं, यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नाग पत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से आया हूँ यह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्वीत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निंद्रा अवस्था में से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित किया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में
साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को बहुत भेंट में दिया। जब कृष्ण चलने को गए हुए थे तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर की ओर चली जाओ। जब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए, तदनंतर कालिया के हुंकार से तीनों लोग कंपन करने लगा। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया था। कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए, आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करो। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण ने मलयुद्ध की घोषणा की थी। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मलयुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। मेरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मलयुद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारी गई। केशी के मरणोपरांत मलयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सब शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र देख लेकर गरुण पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुण की पीठ पर बैठकर ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के शरीर अंग भंग हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शास्त्र हल से और कृष्ण सुदर्शन चक्र से माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर दिया। अब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया। तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया, कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष किया। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वासुदेव, यशोदा और संसार के सभी प्राणियों में बहुत हर्ष मनाया गया। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर
इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। स्वामी